हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, उसी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसे हम लोग आज इनक्वालिटी सोल्व करने वाले हैं, जिस इनक्वालिटी का यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो रहेगा ही रहेगा, बट फंक्शन में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है जब हम लोग 12th क्लास करेंगे। जब हम लोगों को किसी फंक्शन की डोमेन एंड रेंज निकालनी होगी तो हम लोगों को इनक्वालिटी का आना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग क्वाड्रेटिक एंड रैशनल इनक्वालिटी। हम लोग इसको वेवी कर्व मेथड भी बोलते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट हैं वो मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट, फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन एज मच एज यू कैन। इन टू लीनियर फैक्टर, सबसे पहले जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है, क्यूबिक एक्सप्रेशन हो सकता है, आप सबसे पहले उसको फैक्टराइज कर लीजिए लीनियर फैक्टर में। सेकंड, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव एंड यूनिटी। यस, इस बात का जरूर ध्यान रखें, अगर आपने किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया है लीनियर फैक्टर में तो आप एक्स के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना दीजिए और साथ के साथ यूनिटी बना दीजिए। इसमें क्वेश्चन कराऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, अभी जस्ट थ्योरी में लिखवा रहा हूँ। प्लॉट द जीरोज ऑन द नंबर लाइन। यस, वो फंक्शन कहाँ कहाँ पर जीरो हो रहा है उन सभी जीरोज को नंबर लाइन पर प्लॉट कर लीजिए। फोर्थ पॉइंट, स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड, राइट साइड विद प्लस साइन एंड देन अल्टरनेटली माइनस साइन। स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन से, बहुत अच्छी फील आएगी। सबसे पहले मैं पहले टाइप के क्वेश्चन कर रहा हूँ, टाइप वन, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। सबसे पहला क्वेश्चन अपने को गिवन है एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो। स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे। यस, फर्स्ट कंडीशन थी अपनी कि आप इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर लीजिए। आपने लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट ऑलरेडी गिवन है। एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लीजिए, वो भी बेटा आपने बना लिया है, ऑलरेडी गिवन था, एक्स का कोफिशिएंट भी वन था। यस, आप पता कर लीजिए कि कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है। यस, मैं देख पा रहा हूँ ये फंक्शन वन रखने पर जीरो होगा, टू रखने पर जीरो होगा, थ्री रखने पर जीरो होगा। राइट हैंड साइड से स्टार्ट कीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस के साथ, ये आपका इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। यस, ग्रेटर देन का साइन, अगर आपका ग्रेटर देन वाला साइन है तो प्लस रीजन विल बी योर आंसर, विल बी योर आंसर। तो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है तो आपका आंसर होगा वन से टू यूनियन थ्री से इन्फिनिटी। अगर लेस देन का साइन होता है तो नेगेटिव वाला रीजन आपका आंसर होगा। आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, सिंपल स्टेप को फॉलो करें। सबसे पहले लीनियर फैक्टर में आप कन्वर्ट कर लें, एक्स के कोफिशिएंट को पॉजिटिव और यूनिटी बनाएं, सारे जीरोज को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लें, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करें प्लस माइनस के साथ, ग्रेटर देन का साइन होगा तो प्लस रीजन विल बी योर आंसर,
एंड अगर लेस देन का साइन है तो नेगेटिव रीजन आपका आंसर हो जाएगा। यस, एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं यहाँ पर। एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस सिक्स एंड एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोगों को क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा। तो इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो इसको लिखेंगे एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू, इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसको लिखेंगे एक्स प्लस सिक्स ग्रेटर देन जीरो। यस, हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो एक्सप्रेशन था, यस, वो कन्वर्ट हो चुका है लीनियर फैक्टर में एंड ऑल द कोफिशियंट ऑफ एक्स आर पॉजिटिव एंड यूनिटी। तो राइट, मैं नंबर जीरोज को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता हूँ। यस, फर्स्ट इज माइनस सिक्स, अगेन माइनस टू, जीरो एंड थ्री। राइट हैंड साइड से मैंने स्टार्ट किया है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यस, ग्रेटर देन का साइन है तो आपका पॉजिटिव रीजन आपका आंसर होगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस सिक्स यूनियन माइनस टू टू जीरो यूनियन थ्री टू इन्फिनिटी। यस, इन्फिनिटी को अचीव नहीं किया जा सकता, इन्फिनिटी पर ओपन ब्रैकेट। यस, ग्रेटर देन का साइन एंड इक्वल टू का साइन भी, तो जो ब्रैकेट आएंगे दैट विल बी क्लोज ब्रैकेट। ये आपका फाइनल आंसर आने वाला है। तो स्टार्ट कैसे करना है मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत सिंपल स्टेप, आप सारे स्टेप फॉलो कीजिएगा, आपके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। टाइप टू, रिपीटेड लीनियर फैक्टर। यस, क्वेश्चन गिवन है अपने पास एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू होल स्क्वेयर एंड इज ग्रेटर देन जीरो। यस, इवन पावर पावर वाले जितने भी लीनियर फैक्टर हैं आपके पास, क्या कर सकते हैं, किसी की भी पावर, अगर किसी भी फैक्टर की अगर इवन पावर है तो वो नंबर हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। अगर किसी भी फैक्टर की पावर इवन टू फोर सिक्स या समथिंग कुछ भी हो सकता है, अगर पावर इवन है तो नंबर कैसा आने वाला, पॉजिटिव आने वाला है, और हम लोगों को नंबर पॉजिटिव ही चाहिए, तो ये नंबर तो हमेशा ही पॉजिटिव होने वाला है। बस कंडीशन क्या है कि नंबर कभी टू ना होने पाए। तो अगर ये नंबर टू हो जाता है तो ये सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीट क्वेश्चन को इवन पावर से पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन बचेगा एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो। बस कंडीशन आपने डिफाइंड कर दी है कि एक्स की वैल्यू टू नहीं हो सकती। अब सिंपल स्टेप वही जो हम लोगों ने किया था, माइनस वन और थ्री पर ये जीरो होगा, प्लस माइनस प्लस। यस, ग्रेटर देन का साइन है तो आप आंसर दे दीजिए माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन थ्री टू इन्फिनिटी। यस, हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना था कि टू अपना आंसर नहीं होना चाहिए, और हम लोगों ने टू आंसर, हमारा जो फाइनल आंसर आया है इसमें टू कहीं पर आंसर है भी नहीं। यस, यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्स इंटू एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस टू की पावर होल क्यूब एंड एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो। यस, इवन पावर वाले फैक्टर को हटाया जा सकता है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर कौन सा फैक्टर लिखा हुआ है, ओड डिग्री फैक्टर लिखा हुआ है। ओड डिग्री फैक्टर को आप लीनियर फैक्टर ही अज्यूम करें। हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस टू का होल स्क्वेयर एंड एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो। कंप्लीट क्वेश्चन को एक्स प्लस टू के होल स्क्वेयर से डिवाइड कर दिया क्योंकि नंबर पॉजिटिव आने वाला है, बट ये नंबर कभी माइनस टू ना होने पाए, मैंने हटा दिया इसको, तो ये बन गया एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो। सारे लीनियर फैक्टर हैं, एक्स का कोफिशियंट पॉजिटिव है, यूनिटी है,
स्टार्ट किया, ये फंक्शन कहाँ कहाँ जीरो होगा, -6 पर जीरो होगा, -2 पर जीरो होगा, 0 पर जीरो होगा और 3 पर होगा, ये इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस के साथ, ग्रेटर देन का साइन है तो आपका आंसर आने वाला माइनस इन्फिनिटी टू -6, माइनस इन्फिनिटी टू -6, यूनियन -2 टू 0, अगेन 3 टू इन्फिनिटी। यस, जब हम लोगों ने डिफाइंड किया था तो हम लोगों ने बोल दिया था कि एक्स की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पर हम लोगों ने एक्स को -2 को इंक्लूड भी नहीं किया है, क्योंकि ब्रैकेट कौन सी लगाई हुई है, ओपन ब्रैकेट लगाई हुई है। तो यही हम कौन सा आंसर है भाई, फाइनल आंसर है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहाँ पर आप इवन पावर को दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि वो नंबर पॉजिटिव होने वाला है, बस आप डिफाइंड कर दें कि वो नंबर, जिस नंबर के लिए जीरोज हो रहा है उस नंबर को आप हटा दें। अगर पावर ओड लिखी हुई है तो आप उसको भी कैसे ट्रीट करें, एज ए लीनियर फैक्टर ट्रीट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर एक्स प्लस वन की पावर क्यूब एक्स माइनस फोर लेस देन जीरो। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर से कंप्लीट क्वेश्चन को डिवाइड किया जा सकता है क्या मान करके एक्स की वैल्यू वन नहीं है, तो अपने पास क्वेश्चन हो गया एक्स प्लस वन की पावर क्यूब, मैं इसको लिख रहा हूँ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस फोर लेस देन जीरो। हम लोगों ने एक्स प्लस वन से भी डिवाइड कर दिया है कि एक्स की वैल्यू माइनस वन भी नहीं है, तो ये अपने पास आ गया एक्स प्लस वन एक्स माइनस फोर लेस देन जीरो। यस, नंबर लाइन पे मैंने रिप्रेजेंट किया, ये माइनस वन, ये फोर, प्लस माइनस प्लस। यस, लेस देन का साइन है तो अपने वाला आंसर आएगा -1 to 4, अपना आंसर आने वाला है। बट -1 हम लोगों को रिजेक्ट करना था, वो मैं रिजेक्ट कर चुका हूँ। यस, हमारे आंसर में 1 आ रहा है तो मुझे 1 को हटाना पड़ेगा, तो मैं लिखने का तरीका -1 to 4 माइनस एलिमेंटल 1। आप ऐसा कर सकते हैं या आप ऐसा कर सकते हैं -1 to 1 यूनियन 1 to 4, कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों आपके आंसर हैं। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के बेस पे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ही कर रहा हूँ जो मैं क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ, बस मैं यहाँ पर एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू भी इंक्लूड कर दिया है। तो सबसे पहले तो आप वही बेसिक इक्वल टू को अभी आप जस्ट मत लीजिए, आप जस्ट सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वैसे स्टार्ट कर दीजिए। आप एक्स माइनस टू के होल स्क्वायर से कंप्लीट क्वेश्चन को आपने डिवाइड कर दिया है क्या समझ कर कि एक्स की वैल्यू टू नहीं हो सकती, तो अपने पास फंक्शन बन के आ गया है एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो, नंबर लाइन पर दिया हम लोगों ने, जीरोज कहाँ का हो रहा, माइनस वन पर, थ्री पर, प्लस माइनस प्लस हो गया, ग्रेटर देन का साइन है तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन एंड यूनियन 3 to infinity आपका आंसर आ गया है। बट क्लोज ब्रैकेट की वजह से हम लोग यहाँ पर जो ब्रैकेट लगाएंगे वो कौन सी ब्रैकेट लगाएंगे, क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पर भी हम कौन सी ब्रैकेट लगाएंगे, क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। बट अब हम लोगों ने पहले 2 को रिजेक्ट किया था, बट अब ध्यान से देखिए, आप 2 रखने पर, 2 रखने पर ये फंक्शन कितना हो रहा है, 0, 0 इक्वल टू 0 हो रहा है, तो 2 इसका आंसर है जो हम लोगों ने नहीं दिया था। तो यूनियन एलिमेंटल 2 करके आपको लिखना होगा, याद रखना जब इक्वल टू का साइन आ जाएगा। तो समझ गए हैं सब लोग, आगे बढ़ते हैं।